हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितिक। वेलकम टू आर स्पेशल क्विजिंस। तो आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल का क्रिस्पी कॉर्न, वो भी घर पे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, स्प्रिंग ओनियन, रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला। अभी कॉर्न को बॉईल कर लेते हैं। पानी गर्म हो चुका है, इसमें ले लेते हैं आधा चम्मच नमक, फिर ले लेते हैं कॉर्न। कॉर्न को हम लोग बॉईल करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, अभी स्वीट कॉर्न भी अपना बॉईल हो गया है। तो चलिए गैस ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं, फिर इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा भी पानी नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न को हम लोगों ने जो बॉईल किया था, स्वीट कॉर्न में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। इसे बाइंड करने के लिए मैं अभी लेता हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है डीप ऑयल फ्राई के लिए। ऑयल भी गरम हो गया है, तो अभी अपना स्वीट कॉर्न को फ्राई करना शुरू करेंगे। कॉर्न को हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। स्वीट कॉर्न अभी अपना फ्राई हो गया है, लेट्स टेक इट आउट। क्रिस्पी कॉर्न तो बन गया है, अभी इसको देंगे अपना स्पेशल सीजनिंग। स्पेशल सीजनिंग बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ नमक, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बन गया अपना स्पेशल सीजनिंग। क्रिस्पी कॉर्न भी अभी गर्म है, तो यही सही टाइम है स्पेशल सीजनिंग डालने का। फिर इस पे डाल देते हैं चॉप्ड स्प्रिंग ओनियन। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बन गया है अपना रेस्टोरेंट स्टाइल का क्रिस्पी कॉर्न। आप भी ट्राई करो और मजे लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। दिस इज रित्विक साइनिंग ऑफ।